हेलो एवरीवन, दिस शीतल बाखरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। क्या उड़ेगा जेट का फ्लाइट वापस, क्या होगा जेट में? आपको याद होगा जब भी जेट का कोई भी इशू हुआ था, मैंने हर बार आपको अपडेट दिए थे कि यस, जेट का फ्लाइट वापस उड़ेगा और यस, कल जेट के स्टॉक को अपर सर्किट हमने देखा। वो क्यों देखा, ऐसे क्या न्यूज आई और आने वाले दिनों में क्या मूवमेंट हो सकती है? आई नो आप लोगों के लिए बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि छोटे वाले स्टॉक्स आपको बहुत पसंद है और जेट ऐसा स्टॉक था जिसमें काफी सारी लोगों की इन्वेस्टमेंट थी। यस, फिर से उड़ेगा जेट का फ्लाइट। एनसीएलटी ने कैल रॉक जलान जेट रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है, ये गुड न्यूज है। कंपनी को जो सारी कंपनीज लोन देने वाली है वो उनको परमिशन दे दी है। स्लॉट अलॉटमेंट हो चुके हैं डीजीसीए ऑफ एविएशन मंत्रालय से, 90 डेज में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 15,525 करोड़ का क्लेम जेट ने किया है, ये अगर मंजूर होता है तो यस, डेफिनेटली आप चिंता मत करिए, जेट के साथ आपका भी शेयर भागेगा। बट यस, जहां कहीं पे भी आपको लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग करना है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना मत भूलना। अब बात करते हैं फंडामेंटल स्टॉक्स की, मार्केट की एंड ऑल थिंग्स की। तो बॉन्ड यील्ड जो था 1.74, डॉलर जो था वो 74.50, विक्स जो था वो 14.59 एंड पीसीआर रेशियो जो था वो 93 था। और क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट $75 के आसपास बैरल का रेट था। अब कल अगर आपने देखा होगा तो FIs की तरफ से एक पॉजिटिव संकेत हमें मिल रहे थे क्योंकि 2021 के बाद में डो जोन्स 500 पॉइंट प्लस में था, गुड न्यूज थी। बट ये 500 पॉइंट बढ़ा क्यों है, इस बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है? देखिए, जब आप फंडामेंटल स्टडी करते हो तो हर बात की तह तक आपको पहुंचना बहुत जरूरी होता है। मतलब आप अगर बोलोगे तो उस न्यूज का मैं पोस्टमार्टम करती हूँ, मैं हर छोटी छोटी चीज फाइंड आउट करती हूँ, तब जाके कल के मार्केट का विव आप लोगों के साथ देती हूँ। हफ्ते का व्यू अगर आपने देखा होगा तो दोनों टारगेट मेरे अचीव हुए हैं क्योंकि मैं हर छोटी छोटी चीज का स्टडी करती हूँ। वो स्टडी बहुत मैटर करता है आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए। तो यस, यूएसए कांग्रेस ने बोला कि यहाँ पे जो महंगाई बढ़ रही है वो जो आपको दिख रही है ये परमानेंट नहीं है, इसमें चेंजेस होंगे, वो नीचे ऊपर होगा। तो ये पॉजिटिव न्यूज थी। 24 को एक्सपायरी है, मतलब कल के दिन में अगर आप देखोगे तो एक्सपायरी वीक है। जब एक्सपायरी वीक होता है तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिया और के लिए रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या निकल के आ रहा है, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई नए किसी के साथ लॉन्च कर रहे हैं या फिर पुराने इसमें कोई नया और टॉप अप दे रहे हैं, बहुत जरूरी होता है रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए और रिलायंस फैंस के लिए भी। फिर अगर आप देखोगे तो यूएसए में इंडिया यूएसए समिट हुआ, जो समिट हुआ उसमें फार्मा सेक्टर्स के लिए काफी सारी गुड न्यूज आई। और फार्मा के लिए तो आप छोड़ ही दीजिए, फार्मा मतलब अभी तो फिलहाल जेट के फ्लाइट में ऑलरेडी वो बैठ चुके हैं और उड़ने के लिए रेडी है। गुजरात गवर्नमेंट ने जो किया है वो बहुत पॉजिटिव न्यूज मार्केट के लिए थी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। इन लोगों ने 870 करोड़ की सब्सिडी दी है, वो भी 4 साल में देने वाले। अब देखिए, सब्सिडी देने वाले तो ये बहुत बड़ी बात थी, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदी करेंगे उन्हें भी सब्सिडी मिलेंगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जो करेंगे उन्हें भी सब्सिडी मिलेगी, 10 लाख के कैपिटल पे सब्सिडी मिलेगी। गुजरात में हाईवे पे जितने सारे गुजरात के हाईवे हैं वहां पे 500 जगह पे आप चार्जिंग कर सकते हो, ऐसे पॉइंट ऐसे सर्किट्स वो वहां पे डेवलप करेंगे। अब देखिए, मतलब इसका फायदा कौन सी कंपनीज को होगा, कौन से सेक्टर्स को होगा? रैंडमली आप मुझे बता दोगे कि यस शीतल, इसका फायदा होगा कि ऑटोमोबाइल को होगा, बट ऑटोमोबाइल के साथ में और कौन सी चीजों को इसका फायदा होगा? केमिकल सेक्टर्स को होगा, जो छोटे छोटे एविएशन पार्ट्स बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाने वाले ऐसे कंपनीज फाइंड आउट करिए। जैसे आपको याद होगा कि जब रामदेव बाबा अपनी
इंस्टीट्यूट खोल रहे थे और अपना प्रोडक्शन शुरू कर रहे थे, तो रुचि सोया आपने देखा होगा कि कैसे बढ़ रहा था। तो इसी तरीके से आपको ऐसे छोटे 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 शेयर्स निकालने पड़ेंगे। देखिए हिस्ट्री में जाके थोड़ा सा जब तक आप स्टडी नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए और करके क्या फायदा हो सकता है। सारी चीजें मैटर करती है, ये छोटी छोटी चीजों की लिंक करना, केमिकल क्यों बढ़ेगा, गैस क्यों बढ़ेगा, एयर वाले प्रोडक्ट क्यों बढ़ेंगे, ऑटोमोबाइल्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ में काफी सारी चीजों को कहीं ना कहीं लॉसेस भी होंगे, तो वो कौन सी कंपनी को लॉसेस होंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलेगी तो कौन से कंपनी को लॉसेस हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपका काम है फाइंड आउट करना, और ये अगर आपको सीखनी है तो डेफिनेटली शीतल के क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। हर छोटी छोटी चीज का नॉलेज शीतल के क्लासेस में मिलता है और यस प्रॉफिट भी मिलता है। आपने यहाँ पे देखा होगा अगस्त की फ्यूचर्स मैंने सेल कर दिए अभी, और अभी अगर आप देखोगे तो 6,000 रुपीज मुझे प्रॉफिट भी है। सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप्स, ये तो मेरे दो फॉर्मूले आपको पता ही है। तो इसी तरीके से आप भी ट्रेडिंग करके, आप भी नॉलेज लेके अगर जाते हो तो यस आप सारी चीजों का फायदा डेफिनेटली उठा सकते हो। Till then guys, all the very best. Thank you.